नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, ताकि जो रोल है वो आपके जल भी ना जाए और कच्चे भी ना रह जाए। तो इनको फ्राई कर लेते हैं, अभी हमने इनको चेंज नहीं करना, जब जो केक साइड जो सी है वो कुक नहीं हो जाते। उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी पसंद आएगी तो आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आप लोग हमारी वीडियो देख लेते हैं, कमेंट छोड़ देते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। तो मैं जितने भी अपने बहन भाइयों के घर को विजिट करती हूँ, जाती हूँ, उनकी वीडियो देखती हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करती हूँ। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जहाँ आप लोग वीडियो देखते हैं उसको पूरा देखा करें, क्योंकि मुझे पता चल जाता है जब आप लोग वॉच टाइम नहीं आता अपने देखने वालों की तरफ से, तो फिर दुख होता है कि आप लोग अगर सपोर्ट करें तो फिर पूरी तरह से दिल से सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक भी करें और हो सके तो पूरा वॉच भी किया, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी रेसिपीज़ हम लोग लेकर आते हैं। और कुकिंग विद नाज़िम बनाया ही इसलिए चैनल किया है ताकि वो लोग जो बिगिनर्स हैं जिनको कुकिंग नहीं आती वो इजीली देखकर यहाँ से है कुकिंग कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़िम को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं, तो आप सब देखने वाले से रिक्वेस्ट है कि काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको टाइमली जोन से ही रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो से हमारी रेसिपी है वो है रोल, वेजिटेबल और हम लोग कीमे के रोल जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक अदद जो से बड़े साइज़ का प्याज लिया है, ये मैंने दो अदद जो सी हैं शिमला मिर्च ली है, इनको मैंने इस तरह इस शेप में जो है वो कट कर लिया। और इसके ऊपर हाफ के जी जो सा है कीमा है, बंद गोभी है, यहाँ पर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, दादरी मिर्च और काली मिर्च, ये सब चीज़ें हम मिकदार हैं, मतलब मैंने इनको हाफ ऑफ टेबल स्पून लिया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, या अगर आप लोगों ने मिकदार ज़्यादा करनी हो चीज़ों की तो आप ये मसाले भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बस मैंने यहाँ पर एक चम्मच जो सा है वो घी का शामिल किया, थोड़ा सा मैंने प्याज डाला है इसके अंदर। घी में हम लोग ये रोल की जो सा है मिक्सचर उसको तैयार करें, क्योंकि घी में तैयार करने से ये है कि अगर ऑयल में तैयार करेंगे तो पतला पतला सा रहेगा, वो फिलिंग के लिए फिर ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं घी को यूज़ कर रही हूँ। तो हल्का सा हम लोगों ने जो से है प्याज वो ब्राउन कर लिया, इसके अलावा हम लोगों ने टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करना है इसके अंदर। शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर डाल के मैंने इसको भून लिया है। थोड़ा सा इसको और हम लोग भून लेते हैं ताकि जो टमाटर है वो भी गल जाए। ये तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि जो से टमाटर हैं प्याज सारे गल चुके हैं। इसी स्टेज पे मैंने अच्छे से इसको भून भी लिया। कीमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने आधा किलो कीमा लिया है। आप लोग चाहें तो चिकन भी यूज़ कर सकते हैं कीमे की जगह, यही सब मेथड को आप लोग फॉलो कर लें और कीमे की जगह आप लोग जो सा है वो चिकन को यूज़ कर लें, चाहे वो बोनलेस चिकन उसके आप लोग रेशा रेशा करके बाद में इसको मतलब मिक्सचर को तैयार कर लें, या चिकन का कीमा भी लिया जा सकता है इस रेसिपी के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर मैं इसी स्टेज पर जो सा है कीमे के साथ साथ स्पाइसेस भी डाल दूँगी, लेकिन पहले अच्छे से कीमे को हिला लूँ और उसके बाद मैं थोड़ा स्पाइसेस ऐड करती हूँ। कीमे को भी मैंने हिला लिया अच्छी तरह से, और अब इसी स्टेज पर जो स्पाइसेस हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो कीमे को मैं अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो सा है वो मैं डाल के पकने के लिए से रख रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा बस डाल के। इसके बाद जब कीमा हमारा हाफ कुक हो जाएगा उसके बाद हम जो सी वेजिटेबल्स मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाई थी वो ऐड करेंगे। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट को पकाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये तो व्यूअर्स अब हम लोग देखते हैं, ये देखें कीमा भी पक रहा है हमारा, हाफ डन हो गया ये और हाफ अभी इसमें कसर है। तो इसी दौरान जो सब्ज़ियाँ मैंने आपको दिखाई हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। कीमा भी पक जाएगा और जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी हमारी साथ में ही पक जाएंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी भी निकला है, थोड़ा सा हम लोगों ने पानी डाला था तो सब्ज़ियों का भी और पानी निकलेगा, तो कीमा भी हो जाएगा उसी तरह, जो सी सब्ज़ियाँ वो भी हमारी तैयार हो जाएंगी। तो इसको ढक के रख देते हैं, 15 से 20 मिनट के बाद आपको दोबारा दिखाते हैं। ये तो व्यूअर्स जब देखते हैं कि कीमा जो सा पक गया है, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा आ रही है। थोड़ा सा पानी है, इसको हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं और इसके बाद ये देखिए बिल्कुल फाइनल हो गया है ये
घी भी छोड़ दिया, कीमे ने हमने इसको अच्छे से भून भी लिया है। और इसके बाद हम लोगों ने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद हम लोग जो उनसे रोल की फिलिंग वो करेंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि रोल को बंद किस तरह किया जाता है, फिल किस तरह किया जाता है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनका जो रोल है वो खुल जाता है, सही तरह से बंद नहीं हो पाता। तो वो भी कुकिंग विद नाज़रीन में हम आपके साथ शेयर करेंगे किस ट्रिप के ज़रिए आप लोग जो है वो रोल बंद करेंगे तो इंशाल्लाह वो नहीं खुलेगा। ये तो व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो मिक्सचर मैंने रखा था बनाकर ठंडा हो गया है और यहाँ पर मैंने रोल पट्टी जो सी है वो खोल ली है। इसके अंदर हम लोगों ने फिलिंग करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मैं एक ही रोल जो आप लोगों के सामने भी बनाऊँगी ताकि वो लोग जिनको आइडिया नहीं है रोल बंद करने का तरीका नहीं पता, ताकि उनको ईजीली समझ लग जाए कि कैसे इस रोल को बंद करना है। अच्छा, इस तरह यहाँ से इसको सॉफ्ट हैंड आपने ना इस तरह रोल करना है। फिर ये मैंने मिक्सचर बनाया हुआ, ये सिर्फ मैदा और पानी, इसको मिक्सर और इस तरह से, ठीक है, एक शेप बन गई है। और इस तरह से यहाँ पे इसके एजेस पे जो सा है लगा कर आपने इसको ऐसे फोल्ड कर देना, ठीक है। इसी तरह दूसरी तरफ से आपने इसके यहाँ लगा कर इसको भी फोल्ड कर देना है। इसी तरह बाकी सारे जो से है रोल वो मैंने तैयार कर लिए हैं, तो इनको फ्राई करते और आपको दिखाते हैं। ये तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर वन बाय वन वही रोल जो मैंने तैयार किए अंदर फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, ताकि जो रोल है वो आपके जल भी ना जाए और कच्चे भी ना रह जाए। तो इनको फ्राई कर लेते हैं। अभी हमने इनको चेंज नहीं करना जैसे केक साइड जो सी है वो कुक नहीं हो जाते। उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी पसंद आएगी तो आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आप लोग हमारी वीडियो देख लेते हैं, कमेंट छोड़ देते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। तो मैं जितने भी अपने बहन भाइयों के घर को विजिट करती हूँ, जाती हूँ, उनकी वीडियो देखती हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करती हूँ। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जहाँ आप लोग वीडियो देखते हैं उसको पूरा देखा करें, क्योंकि मुझे पता चल जाता जब आप लोग वॉच टाइम नहीं आता अपने देखने वालों की तरफ से तो फिर दुख होता है कि आप लोग अगर सपोर्ट करें तो फिर पूरी तरह से दिल से सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक भी करें और हो सके तो पूरा वॉच भी किया, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी रेसिपीज़ हम लोग लेकर आते हैं। और कुकिंग विद नाज़रीन बनाया ही इसलिए चैनल किया है ताकि वो लोग जो बिगिनर्स हैं जिनको कुकिंग नहीं आती वो इजीली देखकर यहाँ से है कुकिंग कर सकें। तो अब मैंने साइड चेंज कर दी है, थोड़ा सा हमने इसको और पकाना, गोल्डन कलर हम लोगों ने देना है, उसके बाद हम लोगों ने इसको निकाला है। तो मैं इसको थोड़ा सा कलर दे के फिर आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स आप देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लाइट गोल्डन कलर आ गया है इनका। तो अब मैं इनको जो सा है वो निकाल लेती हूँ और बाकी भी जो रोल है उन सबको फ्राई करती है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया। बाकी भी बिस्मिल्लाह। तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो से चिकन वेजिटेबल रोल हो गए हैं तैयार। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो से हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें। और एक रोल मैं आप लोगों के सामने ज़रा चक्कर भी दिखा देती हूँ कैसा बनाया, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मा गर्म रोल, इसको भी टेस्ट करती हूँ आपके सामने। यम्मी, टू गुड, बहुत अच्छा गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रिस्पी सा रोल है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और हमारी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। तो भी बस देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।